Hello students, welcome to the class. Today we are going to start a new chapter, which is chapter 3, A Gift for Granny. Gift means upahar, present, और किसके लिए है? Granny. Granny कौन होते हैं? हमारी जैसे grandmother means दादी होते हैं, तो granny means नानी, ठीक है? यानी father के mother को हम लोग grandmother कहते हैं, तो mother के mother को granny. तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि इसमें एक ब्रदर और सिस्टर है, मींस टू है, एक गर्ल है, एक बॉय है, जो लोग समर वेकेशन पे अपने नानी के घर जाते हैं और उनकी नानी उनको एक दिन मार्केट में भेजती है कुछ सामान खरीदने के लिए. तो वहां से वो लोग अपने ग्रैनी के लिए एक गिफ्ट भी ले आते हैं. क्यों? क्योंकि नेक्स्ट डे उनका बर्थडे रहता है. तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं. जो बॉय है उनका क्या नाम है? अमित. और जो गर्ल है उनका क्या नाम है? अलका. So, अमित एंड अलका लिव इन बिग टाउन. अमित और अलका एक बड़े टाउन में रहते हैं. दे विजिट देयर ग्रैनी एवरी समर. वो लोग हर साल समर में गर्मियों की छुट्टी में अपने नानी के घर जाते हैं. सी लिव्स ऑन टॉप ऑफ ए हिल. वो लोग उनकी नानी जो है वो एक हिल स्टेशन टॉप ऑफ ए हिल पे रहती हैं. रीड अबाउट देयर ट्रिप ऑन द मार्केट. और चलो वो लोग जब मार्केट एक दिन जाते हैं तो उनके मार्केट के ट्रिप के बारे में पढ़ते हैं. ग्रैनी, देखिए आपकी बुक में ऐसे ग्रैनी अमित ग्रैनी ऐसे करके दिया है ना, मिस की जो ग्रैनी बोल रही है उनके आगे ग्रैनी लिख के टू पॉइंट ऐसे ऐसे दिया है, और जो अमित अलका बोल रहे हैं उनके आगे अमित अलका लिखा है. सो ग्रैनी, सबसे पहले ग्रैनी बोलती है, चिल्ड्रेन विल यू गो टू मोहन लाल शॉप फॉर मी. क्या बोल रही है कि बच्चों क्या तुम मोहन लाल की दुकान पर जाओगे मेरे लिए? अमित एंड अलका, ऑफ कोर्स वी विल. अमित अलका क्या बोलते हैं? हाँ हम लोग जाएंगे. देन फिर ग्रैनी क्या बोलती है? यू कैन वॉक टू द शॉप, इट्स नॉट फॉर, बी केयरफुल व्हेन यू क्रॉस द मेन रोड. तुम लोग दुकान पे पैदल ही जा सकते हो क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है. हाँ लेकिन सड़क को पार करते हुए तुम लोग थोड़ा केयरफुल रहना, ध्यान देना. मेन रोड जब पार करते हैं तो बच्चों को बोलते हैं ना ध्यान से सड़क पार करना, कहीं कोई गाड़ी क्रॉस करते हुए तुम्हें टक्कर ना दे दे. तो वो भी बोलती हैं कि तुम अपने जा सकते हो उस दुकान पे क्योंकि दुकान ज्यादा दूर नहीं है. हाँ बस जब सड़क पार करना तो थोड़ा ध्यान देना. ग्रैनी गेव अलका द मनी एंड अ लिस्ट. ग्रैनी क्या करती है? नानी जो है वो अलका को एक लिस्ट देती है सामान का और पैसे देती है. देखिए यहाँ पे लिस्ट, ग्रैनी लिस्ट बना है. शुगर लाना है 1 kg, ब्रेड लाना है 1 loaf, कैंडल्स लाना है 1 packet एंड सोप लाना है 3. तो वो सामान का एक लिस्ट देती है कि क्या क्या लाना है, चीनी, ब्रेड, कैंडल और साबुन लाना है. तो वो देती है और पैसा देती है अलका को. अमित एंड अलका वॉक डाउन द हिल एंड रीच द मेन रोड. अमित अलका चल के डाउन द हिल, नीचे हिल के आते हैं और मेन रोड पर पहुंच जाते हैं. They cross it and soon saw मोहनलाल shop. और वो रास्ते को पार करके जल्दी ही मोहनलाल के दुकान के पास पहुंच जाते हैं या उसको देख लेते हैं. मोहनलाल was behind the counter. और मोहनलाल काउंटर के उस तरफ खड़ा रहता है. दुकानदार जो काउंटर के पीछे ही न रहता है और कस्टमर दुकानदार काउंटर के आगे. तो देखिए यहाँ पे ऐसे पिक्चर में बना के दिखाया भी गया है. ये मोहनलाल है, काउंटर के पीछे खड़ा है. आप लोग भी मार्केट में जब टॉफी लेने जाते हैं तो अंकल जो रहते हैं वो दुकान के अंदर रहते हैं और बाहर से आप लेते हैं. तो वो बोलते हैं, अमित कैन वी हैव 3 केक ऑफ सोप प्लीज. और सबसे पहले अमित क्या बोलता है कि क्या हमको 3 पीस साबुन मिल सकता है? मोहन, श्योर. मोहनलाल क्या बोलते हैं? हाँ क्यों नहीं मिल सकता. अमित, वी वुड ऑल्सो लाइक अ किलोग्राम ऑफ शुगर एंड अ लोफ ऑफ ब्रेड. और फिर अमित बोलते हैं कि हमको 1 किलो चीनी और 1 बंडल ब्रेड भी चाहिए. मोहन, हेयर यू आर, दैट विल बी 29 rupees. वो बोलते हैं ये लीजिए आपका सारा सामान, और इन सारे सामान का कितना रुपीस होता है? 29 rupees हुआ. अलका, What are those packets? फिर अलका एक चीज को दिखा के बोलती है कि इन पैकेट्स में क्या है. दुकान में बहुत सारे सामान रखे जाते हैं ना उस तरफ. मोहन, they are marigold seeds. और उस पैकेट में क्या रहता है? मैरीगोल्ड जो फ्लावर होता है उसका बीज रहता है, सीड्स रहता है. अलका, ओ अमित, shall we buy them? If granny
बर्थडे टुमोरो। फिर अलका जो है वो अमित से कहती है, अमित क्या हम लोग ये स्वीट्स खरीद ले क्योंकि कल तो ग्रैनी का बर्थडे है। मोहन, वन पैकेट कॉस्ट 1 रुपीस। मोहन क्या बोलते हैं, हाँ तुम खरीदोगी तो एक पैकेट का 1 रुपया चार्ज है, मीन्स 1 रुपए में एक पैकेट वो स्वीट मिलेगा। अमित, यस वी कैन बाय वन पैकेट, सी आई हैव 5 एंड 1, दैट इज 6 रुपीज लेफ्ट। अमित क्या बोलते हैं, हाँ हाँ हम लोग ये खरीद सकते हैं क्योंकि देखो मेरे पास 5 और 1 यानी कि 6 रुपीज अभी भी बचा हुआ है। अलका, इट विल बी अ गुड गिफ्ट फॉर हर, सी लव टू प्लांट थिंग इन हर गार्डन। वो क्या बोलती है अलका, कि जो मैरीगोल्ड बीज है, मैरीगोल्ड के फ्लावर का जो सीड्स है, वो ग्रैंड मदर के लिए अच्छा गिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि ग्रैंड मदर को अपने बगीचे में पौधे लगाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। द चिल्ड्रन ब्रॉट अ पैकेट ऑफ सीड्स एंड वेंट होम हैप्पीली। बच्चे एक पैकेट सीड्स भी ले लेते हैं और खुशी खुशी घर चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन दे वेक अप दे रन टू ग्रैनी। अगले दिन सुबह जब वो उठते हैं दौड़कर नानी के पास जाते हैं। सी वॉज स्लीपिंग आउट ऑन द वरांडा रीडिंग द न्यूज़पेपर, और वो बरामदे में बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। अमित, गुड मॉर्निंग ग्रैनी। अलका, हैप्पी बर्थडे ग्रैनी। अमित बोलता है गुड मॉर्निंग नानी, अलका बोलती है कि हैप्पी बर्थडे नानी। अमित बोलता है वी हैव समथिंग फॉर यू। अमित फिर बोलता है हम लोग आपके लिए कुछ लाए हैं। अलका, वी होप यू लाइक इट। अलका बोलती है कि हम उम्मीद करते हैं कि हम आपके लिए जो गिफ्ट लाए हैं वो आपको पसंद आए। दे गेव द पैकेट ऑफ सीड टू ग्रैनी, हर आईज लिट अप। वो फिर वो लोग वो जो मैरीगोल्ड बीज लाए रहते हैं उसको नानी को देते हैं और उसको देख के नानी की आंख जो है वो खुशी से भर जाती है। लिट अप मींस की खुशी से भर जाती है। ग्रैनी, थैंक यू चिल्ड्रेन, धन्यवाद। फिर नानी बोलती है धन्यवाद बच्चों, दिस वॉज जस्ट आई वॉन्टेड, वॉट आई वॉन्टेड, ये वही चीज है जिसे मुझे चाहिए था। नाउ माई गार्डन विल लुक ब्यूटिफुल विथ गोल्डन मैरीगोल्ड ब्लूमिंग। अब मेरा बगीचा जो है वो गोल्डन गोल्डन मैरीगोल्ड के खिले खिले फ्लावरों से बहुत ही सुंदर दिखेगा। मीन्स वो उस गिफ्ट को देख के बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तो इस तरह ये चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो देखिए क्या है, सर्कल द करेक्ट वर्ड। अमित एंड अलका ग्रैनी, अलकाज ग्रैनी लिव इन ए हाउस इन द हिल सिटी रिवर। अमित और अलका की जो नानी है वो कहाँ रहती थी, शहर में रहती थी, नदी में रहती थी, हिल्स पे रहती थी। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, हिल्स पे रहती थी, तो हिल्स को हम सर्कल कर देंगे। ठीक है, इसी तरह सेकेंड है, अमित आस्क शॉपकीपर फॉर दिस। अमित शॉपकीपर से किस चीज के बारे में पूछा था, बॉल के बारे में, पेंसिल के बारे में या साबुन के बारे में। सो सही आंसर जो होगा उसको आप सर्कल करिए। और उसका नेक्स्ट है, द शॉपकीपर गेव देम अ पैकेट ऑफ, शॉपकीपर ने दुकानदार ने उनको एक पैकेट क्या दिया, साइक्लोन दिया, सीड्स दिया या इरेजर दिया, मोम कलर दिया या बीज दिया या रबर दिया। तो क्या दिया था, अभी अभी हम लोग स्टोरी में पढ़े हैं। लास्ट है, ग्रैनी वॉज हैप्पी एट द थॉट ऑफ डेथ इन द गार्डन। नानी क्या सोच के खुश हो जाती है, कि मेरी गोल्डन मैरीगोल्ड फ्लावर उगेंगे, ये सोच के कि सिल्वर मैरीगोल्ड उठेंगे कि रेड मैरीगोल्ड। तो बहुत इजी है, इन तीनों को आप सर्कल करिए, उसका पिक ग्रुप में सेंड करिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर और बाकी के एक्सरसाइज को करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।